हेलो एवरीवन, मैं संदीप खरी और आज मैं आपको अपडेट दूंगा सेक्टर 89 स्मार्ट वर्ल्ड जेम्स और सेक्टर 89 एम्थेरियम सोलिट्यूड की कंस्ट्रक्शन अपडेट और कौन कौन से ब्लॉक का यहाँ पे ओसी आ गया है, किस किस ब्लॉक की यहाँ पे पजेशन होने जा रही है। और इसमें एक और नई चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगा, यदि आप यहाँ पे एक एंड यूजर हैं तो उसको आप जरा एक ध्यान से सुनना। यहाँ पे कर क्या रहा है डेवलपर, यानी कि जो हमारा ऊपर मोन्ट्री है, मोन्ट्री के ऊपर जो पानी की टंकी रखी जाती है, तो उसको ओपन छोड़ रहे हैं। और ओपन जब छोड़ रहे हैं तो काफ़ी बेकार सा लुक आ रहा है उसका, कुछ अच्छा खासा लुक नहीं आ रहा है। तो वो लुक अच्छा कैसे आ सकता है यदि उसके सराउंडिंग में जो एक कंक्रीट की वॉल होती है, जैसे कि डीएलएफ इंक्लेव जो गार्डन सिटी 93 में प्रोजेक्ट है उसने किया हुआ, यदि ये सारी चीज़ें हो जाएं जैसे गार्डन सिटी इंक्लेव की हैं, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी निकल सकती हैं। तो आइए अब बिना देरी करें, मेन रोड से जो गेट लगा हुआ है जहाँ से मेन एंट्रेंस रहेगी स्मार्ट रोड का, जो टी ब्लॉक है, वहाँ से अपनी कंस्ट्रक्शन अपडेट स्टार्ट करते हैं। बाकी तो इसमें कंस्ट्रक्शन अपडेट में बताने के लिए बहुत कुछ है ही नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी रेडी हैं और पोजीशन किस किस के आने वाले हैं वो देखते हैं। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये मेन गेट लगा हुआ है, जो कि मेन गेट लेफ्ट हैंड से एम्थेरियम सॉलिट्यूड का रहेगा और राइट हैंड से स्मार्ट वर्ल्ड का रहेगा। और राइट हैंड पे सबसे पहले जो ब्लॉक दिखाई दिया ये एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है जो ब्लॉक बना हुआ है, उसके बाद टी ब्लॉक का T1 से स्टार्ट हो जाती है। T1 से जो यूनिट थी हमारी 2.5 BHK, 1103 स्क्वायर फीट और 1423 स्क्वायर फीट, वो स्टार्ट हो जाती है। और राइट हैंड पर देखेंगे तो 1067 स्क्वायर फीट का यूनिट थी जो राइट हैंड पे आपको दिखाई दे रहा है लास्ट में बिल्कुल, ये भी 2.5 BHK स्मार्ट वर्ड। उसके बाद ये जो वाइट वॉश हो रखा है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सारी यूनिट जो है M3M की हैं 2.5 BHK। उसके बीच में आप देखेंगे एक छोटा सा गार्डन बनेगा ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, और लेफ्ट हैंड पे भी एम्थेरियम की यूनिट है बिल्कुल, जो स्क्रीन पे दो ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं ये एम्थेरियम के ब्लॉक हैं, जो 1423 के ब्लॉक हैं और 1499 के ब्लॉक हैं। और अभी जो स्क्रीन पे बिल्कुल फुल स्क्रीन पे आपको यूनिट दिखाई दे रही हैं ये हैं स्मार्ट वर्ड जे ब्लॉक, जिनकी ओसी आ चुका है, जिनकी पोजीशन स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि ओसी कुछ का आ चुका है और कुछ का जो है ओसी अप्लाई करने वाले हैं। 240 यूनिट ऐसी हैं जिनका ओसी आ चुका है। इसकी कंफर्मेशन जो स्मार्ट वर्ड जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है यहाँ पे, एक तो स्मार्ट वर्ड जो है गया डेवलपर हो गया, उसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट जो है कंस्ट्रक्शन पार्टनर भी हैं या कॉन्ट्रैक्टर हैं, एक खुद स्मार्ट वर्ड भी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो वहाँ के जो PM हैं प्रोजेक्ट मैनेजर, उनसे ही हमें अपडेट मिली है कि 240 जो प्लॉट हैं उनका ओसी जल्दी ही अप्लाई कर देंगे, यानी कि कुछ का आने के बाद जो जो जे ब्लॉक की यूनिट है। और अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये 2.5 BHK का ओ ब्लॉक है, ये पूरा स्क्रीन पे एक एक यूनिट में आपको दिखाऊंगा, स्क्रीन पे ये पूरा हमारा ओ ब्लॉक आ जाता है। ओ ब्लॉक में डेवलपर ने आप देखेंगे जो पानी की टंकियां है मोन्ट्री के ऊपर रखी जाती हैं वो खुली छोड़ी हुई है, जिसका मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, तो इसका कहीं ना कहीं सोल्यूशन हो जाए तो बहुत अच्छा है। अभी जो आप स्क्रीन पे फुल स्क्रीन पे देख रहे हैं इन सभी यूनिट का ओसी आ चुका है, ये कंप्लीट यूनिट है, ये टंकियां दिखाई दे रही हैं आपको ओपन रखी हुई हैं और टेरिस वगैरह 100% रेडी कर दी गई है, ये आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं फुल स्क्रीन पे, ये पूरा ये इस तरीके से जो पानी की टंकियां दिखाई दे रही है ये थोड़ा बड़ा ओड ओड सी दिखाई दे रही है, तो इनका सॉल्यूशन अभी आप करवा सकते हो यदि कुछ बातें आपकी मानी जा सकती हैं, बेशक से उसमें एक्स्ट्रा कुछ देना पड़ जाता है तो कहीं ना कहीं आपके लिए ही बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे गर्मियाँ पड़ती हैं आप देखते हैं तो पानी पूरा उबल जाता है, तो आपको वॉशरूम के अंदर पानी की नीड होगी तो पूरा उबला हुआ ही आएगा वो, तो ये छोटा सा सॉल्यूशन आप चाहें तो करा सकते हैं मिलके, कुछ भी 10 15 20 30 40 50 लोग जाएंगे तो आप बोल सकते हो एक्स्ट्रा ले लो कुछ कर दो। अब हम आपको कंस्ट्रक्शन अपडेट दिखाएंगे एम्थीरियम की, तो अभी आप ये देख रहे हैं जहाँ पे ये लेबर इकट्ठी हो रखी है, तो एम्थीरियम एक NGO भी चलाता है जहाँ पे कि खाना प्रोवाइड कराता है अपनी हर एक साइड पर लेबर को, तो ये बहुत अच्छी चीज़ें लगी जो एम्थीरियम करता है। सबसे पहले आपने ब्लॉक देखा, ये एम्थीरियम का ब्लॉक है 2.5 BHK, 1065 स्क्वायर फीट का है ये, और जो यूनिट आपको दिखाई देंगे अभी जिस पर वाइट वॉश हो रखा है ये 1543 स्क्वायर फीट जिनका अलॉटमेंट होना है। उसके बाद आपको वाइट वॉश होके पीछे जो यूनिट दिखाई देंगी जो फुल्ली लोडेड यूनिट थी
एम ब्लॉक वो दिखाई देगा। एम थ्री के अंदर दो तीन साइज थे, एक था हमारा 1065, 1103 और 1205 स्क्वायर फीट और 1300 स्क्वायर फीट और 1499 स्क्वायर फीट और 1523 स्क्वायर फीट। तो एम थ्री में ये साइज थे। और एम थ्री की अब मैं आपको यूनिट दिखाऊंगा जो रेडी टू मूव इन हो चुकी है। एम थ्री के ये 1300 स्क्वायर फीट है एम थ्री की, और बीच में टेम्पल और गौशाला जो दिखाई देती है वो, और ये क्लब है जो आप बोलते हैं कि 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब रेडी हो रहा है। ये तो क्लब का भी काम, काफ़ी काम पेंडिंग है जो होना है। ये जो स्क्रीन पर यूनिट दिखाई दे रही है जो दी थी वो 1543 स्क्वायर फीट की थी, और ये एम थ्रीम का ब्लॉक है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ए ब्लॉक जो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, जिसकी पोजीशन जल्दी ही आने वाली है। ये पूरी जो डिटेल अभी तक आपने देखी, पीछे 24 मीटर का रोड है। ये छत भी दिखाई दे रही है, यहाँ से भी पानी की टंकियाँ जो हैं, जैसे स्मार्ट बोर्ड में ओपन थी, यहाँ पे भी पानी की टंकियाँ जो है ओपन ही है। और ये पीछे 24 मीटर का रोड है, और फिर एस डेवलपर का प्रोजेक्ट आ जाता है, एस और इसका प्रोजेक्ट आ जाता है। ये 24 मीटर का रोड है, और कुछ छोटी सी लैंड यहाँ पे एमथेरम के पास में है जिसके ऊपर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आ सकता है। तो ये थी आज की हमारी कंप्लीट ही कंस्ट्रक्शन अपडेट, और कहाँ कहाँ पे ओसी आया है वो। तो अभी जो ओसी आया है वो स्मार्ट वर्ल्ड के अंदर कुछ यूनिट हैं उनका ओसी आया है, उनमें जल्दी ही फैमिलियाँ रहने लगेंगी, और वहाँ पे सारी फॉर्मेलिटी जो है स्मार्ट वर्ल्ड की तरफ से वो पूरी हो चुकी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमने कन्फर्मेशन ली थी जो स्मार्ट वर्ल्ड कंस्ट्रक्शन कर रहा है वहाँ के जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उनसे, वो पूरी ही डिटेल ली थी और वो आपके साथ में शेयर की है। तो इसी तरह की जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और जो ये मेरा छोटा सा सजेशन था कि भाई आप ये चीज़ें ऐसे कर सकते हैं, तो इसमें आपकी क्या राय है, ये चीज़ें आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी तो आप ही का ही पॉइंट है ये, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप 5, 10, 20 आदमी मिलके कुछ चीज़ें कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं आप ही के लिए ये बेनिफिट है। तो इसी तरह की जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले। तो ये हमारी कंप्लीटली डिटेल। धन्यवाद। जय श्री राम।